हर दल अपना मैनिफेस्टो निकालता है, परंतु मुझे इस बात का खेद भी मैं कहूंगा कि जो दल 55 साल तक देश के ऊपर सत्ता में रहा, सत्ता में रहने के बावजूद अगर वो बोर्ड लगा करके, होर्डिंग लगा करके ये बात बोलता है कि आप हमें वोट दें, हम गारंटी देते हैं ये काम करेंगे, हम गारंटी देते हैं हम वो काम करेंगे, होर्डिंग लगा करके, आपने देखा होगा कांग्रेस ने होर्डिंग लगाए हैं। अगर 55 सालों तक सत्ता में रहे हों, आज वोट लेने के लिए गारंटी देनी पड़ गई, कांग्रेस की गारंटी के ऊपर देश को विश्वास नहीं है। आज एक ही गारंटी के ऊपर विश्वास है, वो नरेंद्र मोदी की गारंटी है, उसके ऊपर देश को विश्वास है और देश उसके ऊपर विश्वास कर रहा है। उपचुनाव को लेकर लगातार याचिकाएं लगाई जा रही हैं, एक याचिका को खारिज कर दिया गया है, इसके बाद आप इनेलो की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से लगातार याचिकाएं लगाई जा रही है, किस तरीके से देखते हैं सर? ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है और हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में बता भी दिया था जब निर्णय होगा।